क्राइम का ग्राफ देखिए आप कितना बढ़ गया। आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो यूपी में है। मुंबई से जब निकले लोग भूखे प्यासे बेचारे 1700 किलोमीटर चलने के लिए, तो उनके पैरों में चमड़ी कट गई, गोश्त निकल आया, किसी ने बदन नहीं किया। मैं बहुत आभारी हूं अखिलेश भाई का कि इन्होंने एक एक मजदूरों को लाखों लाख रुपया दिया। पूरा देश पूरी दुनिया कह रही है लड़ाई आपकी बार है तो समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की है। इसमें एक एक वोट अगर आएगा ना तो इंशाल्लाह फिर उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश बनेगा। तो देश की हालत बहुत ही खराब है। मैं मुंबई में रहता हूं लेकिन मैं मुंबई से भाग भाग कर हर हफ्ते आता हूं, लोगों को समझाता हूं कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्यों आज जरूरत है, जो लोग आज इस देश के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, जो लोग आज गंगा जमुनी तहजीब को आज तोड़ देना चाहते हैं, वो लोग आज हमारी मीटिंगों में अपने वर्करों को भेजकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा करके हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। कितने झूठे लोग हैं सोचिए जरा आप। सत्ता में रहने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले 6 महीने में ये क्या क्या नाटक करेंगे वो देखिए आप क्या क्या करते हैं लोग। अब भोली भाली जनता इनके बहकावे में आ जाती है और 5 साल उत्तर प्रदेश का बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। क्राइम का ग्राफ देखिए आप कितना बढ़ गया। आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो यूपी में है। बेकारी, गरीबी, मुंबई से जब निकले लोग भूखे प्यासे बेचारे 1700 किलोमीटर चलने के लिए, तो उनके पैरों में चमड़ी कट गई, गोश्त निकल आया, किसी ने बदन नहीं किया। मैं बहुत आभारी हूं अखिलेश भाई का कि इन्होंने एक एक मजदूरों को लाखों लाख रुपया दिया। सबकी नजर लगी हुई है, बस यही कहना चाहता हूं, किसी से कोई उम्मीद रखना छोड़कर देखो, किसी से कोई उम्मीद रखना छोड़कर देखो तो ये रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाए। टिकट मांगिए, खूब मांगिए, जितना मांगना हो मांगिए, लेकिन हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, जो मेरे दिल में एक परेशानी है कि आज आप समाजवादी जिंदाबाद बोल रहे हो, कल टिकट नहीं मिले ना तो भी समाजवादी जिंदाबाद ही बोलना। टिकट मिले या ना मिले, पार्टी आप आगे बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन देश को आगे बढ़ाना है, देश के संविधान को बचाना है। आज आप देख लीजिए सेंट्रल विस्टा के नाम पर 23,000 करोड़ रुपया मोदी जी पूरा पार्लियामेंट तोड़ करके नया पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं और नया संविधान लाना चाहते हैं। क्या किसी को मंजूर है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटा देना? मुझे लगता है नहीं मंजूर होगा। एक एक व्यक्ति को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, एक एक व्यक्ति को पूरी कोशिश करना है कि सभी लोग, क्योंकि लड़ाई हमारी अब की बार, लड़ाई अगर अब की बार है, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश पूरी दुनिया कह रही है लड़ाई अब की बार है तो समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की है। इसमें एक एक वोट अगर आएगा ना तो इंशाल्लाह फिर उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश बनेगा। 22 महीने में सड़क बन गई, हमारा महाराष्ट्र बहुत आगे इकोनॉमिकल हब है, इस देश का इकोनॉमिकल स्टेट है, लेकिन 5 साल से खाली सड़क पे अभी तक जो है लोगों की जमीनों लेने का एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, क्या बनाएंगे लोग। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि सभी लोग मिलकर के अब की बार समाजवादी पार्टी को बढ़ाइए, अपने आप को बढ़ते हो तो बढ़ाइए छोड़ दीजिए, लेकिन टिकट मिले या ना मिले बस ये कहना चाहता हूं, बस दामन में बस ये देख कि गुलशन में किस तरह बहार है। आपको ये देखना है कि किसी तरह से भी अब की बार उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी चुनकर आए। और अखिलेश भाई आपको नहीं मालूम, विदेश से मुझे फोन करते हैं लोग, कहते अखिलेश भाई जानते हो, मैं जानते हो, मतलब मेरे लीडर हैं भाई, भले हम पूरे देश को देखते हैं ना तो हमें एक ही आदमी नजर आता है जो भारतवर्ष की केस के भविष्य को बचा सकता है, भारतवर्ष का भविष्य उसी के हाथ में महबूब रचता है, उसका नाम है अखिलेश यादव। यकीन जाने मैं आपको सिर्फ, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के अब की बार समाजवादी पार्टी को जोरदार ताकत से फिर अखिलेश यादव को बढ़ाइए और 2024 में दिल्ली की गद्दी पर भी कब्जा कीजिए। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।